सो हाय एवरीवन, हम हैं द पार्ट टाइम हसलर्स और हमारा एक पॉडकास्ट है। हम लोग हसल के बारे में बात करते हैं और जो भी चीज़ें आसपास चल रही होती हैं, हमें फैसिनेट करती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और जिससे पहले आप हमें जज करें कि ये दो लड़के बैठ कर के ऐसी सेंसिटिव बातों पे कैसे सेंसिटिव बात क्यों कर रहे हैं, मैं कुछ स्टैट्स बताना चाहूँगा, ठीक है। और स्टैट्स देने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आज हम लोग पहली बार ऐसे हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फैलनी चाहिए, तो जिससे सबको समझ में आए हम लोग ये हिंदी में कर रहे हैं। तो जो स्टैट्स हैं उनको ज़रा आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 90% जो न्यूज़ आती है न्यूज़पेपर में या फिर कहीं पे भी आप किसी ऐप में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया में पढ़ते हैं या फिर न्यूज़ टीवी पे देखते हैं, दे आर लाइक 90% नेगेटिव न्यूज़ होती है, ठीक है। जो सेंसेशनल स्टोरीज होती हैं वो 95% हेडलाइंस वो बनाती है। इस टाइम पे सेंसेशनल न्यूज़ क्या चल रही है आप सबको पता है, और ये भी पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स कौन सी बड़ी हैं, लेकिन वो सेंसेशनल न्यूज़ बन नहीं पा रही है। और जो 95% है वो हमारी आजकल सिर्फ इसी चीज से आ रही है जो कि आपने अभी टाइटल में देखा है। ये बताया जाता है, तीसरा फैक्ट ये बता रहा हूं मैं, कि जो बैड न्यूज होती है वो एक पॉजिटिव न्यूज से 30% ज्यादा अटेंशन कैच करती है। और चौथा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट, 26% लोग जो कि ज्यादा अपने आप को एक्सपोज करते हैं नेगेटिव न्यूज से, वो आगे जाकर के एंग्जाइटी, क्रॉनिक एंग्जाइटी डेवलप कर लेते हैं। और जब हम लोग क्रॉनिक एंग्जाइटी की बात कर रहे हैं तो हम लोग वो छोटे मोटे स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे जो आपको एक न्यूज देख करके एक दिन हो गया, ये वो एंग्जाइटी है जो कि आपके ये वो एंग्जाइटी है जो कि आपको बहुत लंबे समय तक परेशान कर सकती है। और इसका कारण ये होता है, जब आप अपने आप को बहुत दिन तक एक्सपोज करते हो, बहुत ज़्यादा एक्सपोज करते हो, तो आपके जो आइडियाज होते हैं वो ओवरऑल काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये वो सारे फैक्ट्स हैं जो हम लोग वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देना चाहते हैं कि हम लोग इस टॉपिक के सेंसिटिव टॉपिक पे क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दिवित, क्या कहना चाहेगा तू इस चीज़ के बारे में, लाइक क्या? हाँ, मेरे ख्याल से जो नेगेटिविटी, जो भी जिस तरह की नेगेटिविटी एग्जिस्ट करती है ऑनलाइन, मेरे ख्याल से तुम उसको ईजिली दो हिस्सों में बांट सकते हो। एक है नेगेटिव कॉन्टेंट और एक है नेगेटिव पीपल या नेगेटिव लोग। तो जो भी हम न्यूज़ कंज्यूम करते हैं ऑनलाइन, चाहे न्यूज़ चैनल हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, या तो हम रिटन फॉर्म में न्यूज़ या फिर इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं या फिर हम लोगों को सुनते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो नेगेटिविटी कुछ नई चीज़ नहीं है, हमेशा से एग्जिस्ट करती आई है और वो मीडिया में भी बहुत अवेलेबल है, प्रेजेंट है। तो मेरे दिमाग में मेन दो क्वेश्चंस या दो चीज़ें जो हमेशा आती हैं वो ये है कि जो नेगेटिव न्यूज़ दिखा रहा है क्या वो उसकी गलती है या फिर ये नेगेटिविटी जिसकी वजह से प्रकट हुई है उसकी गलती है। तो एक तो ये, और दूसरी बात कि नेगेटिव न्यूज़ वायरल, जैसे तूने फैक्ट्स बताए कि वो ज़्यादा फैलती है, ज़्यादा एंगेजमेंट मिलता है एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट पे मोर देन अ पॉजिटिव है। लोगों को ऐसे नीच दिखाने में ज़्यादा क्यों मज़ा आता है, क्यों ऐसा होता है, तो ऐसी न्यूज़ वायरल क्यों जाती हैं। इसका एक आई थिंक सबसे ईजी एग्जाम्पल जो मेरे को मिलता है कि अगर एक ऑफिस है, एक दफ्तर इज़ गिविंग जॉब्स टू लोकल पीपल, वो एक ऐसी न्यूज़ को कम वो मिलेगी एंगेजमेंट अगर एक लोकल दफ्तर या लोकल ऑफिस सेलिंग ड्रग्स। बिल्कुल। तो देवित, जो प्रॉब्लम की बात अभी तुम कर रहे थे उसी से अब मैं मेन प्रॉब्लम पे आना चाहूँगा, वही नेक्स्ट हिस्सा मतलब मैं पॉडकास्ट में लेके आना चाहूँगा। और वो ये है कि प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग जो ये करना चाहेंगे कि जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ में हुआ है वो डेफिनेटली लाइक बहुत ही सैड चीज़ है, और तभी ये स्टैट्स भी मैं आपके सामने लेके आया था। जब हम लोग बात करते हैं मेंटल इलनेसेस की, मेंटल प्रॉब्लम्स की, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, उसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। और अभी आजकल की डेट में जो सबसे गलत बात है वो ये है कि सारा का सारा फोकस जो है वो इस बात से हट चुका है, और सारा का सारा फोकस ये आ गया कि कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी बना देते हैं, कुछ ना कुछ न्यूज़ फैला देते हैं, किसी को बदनाम कर देते हैं। मैं यहाँ पे किसी का साइड नहीं ले रहा हूँ,
मैं यहाँ पे किसी का साइड नहीं ले रहा हूँ, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो हम लोग सब देख रहे हैं, और कौन उसके अंदर पकड़ा जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन के नॉट बी रॉन्ग, वो गलत नहीं हो सकती, लेकिन मुद्दे से हम लोग हट रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोगों को अभी भी उसी को उतनी इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है कि डिप्रेशन एक बड़ी समस्या है, एंग्जाइटी एक बड़ी प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का लेना देना इन न्यूज़ से बहुत ज़्यादा है, ये भी समझने की ज़रूरत हम लोगों को है। अब एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, वो ये है कि धीरे धीरे आप देख रहे हैं इस केस के अंदर जो पहली बात तो हम लोग ये केस डिस्कस करने नहीं बैठे, हमारा जो पॉडकास्ट का जो ओवरऑल मोटिव है, उद्देश्य मोटिव है वो ये नहीं है। हसल के बारे में आप देखेंगे हमारा नाम है द पार्ट टाइम हसलर्स, हम लोग बात करते हैं कि कैसे आपको हम लोग प्रमोट करते हैं हसलिंग को, और हम लोग आजकल क्या देख रहे हैं कि लोग इस न्यूज़ के अंदर इतना ज़्यादा घुसे पड़े हैं लेकर के, टपाटप इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डली जा रही है, ये सब कुछ शेयर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया या फिर किसी और ने ना किया, हम सब लोगों ने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी बात समझने की ज़रूरत है कि हम लोग मीडिया से कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इस टाइम पे। तो प्रॉब्लम की अगर हम लोग बात करें, सबसे बड़ी बात यह है इस टाइम पे कि जो प्रॉब्लम थी वो तो प्रॉब्लम रह ही नहीं गई। सेकेंड बात ये है कि थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल है ये, ठीक है, वो बात ये है कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि इस केस के अंदर इतने सारे लोग, कुछ लोगों का नाम आ रहा है, लोग पकड़े जा रहे हैं, उसकी इतनी बड़ी न्यूज़ क्यों बन रही है? क्योंकि ये लोग इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, क्योंकि ये लोग बॉलीवुड एक्टर्स हैं, क्योंकि ये बड़ी फैमिलीज से आते हैं, और जो लोग हैं वो ये बात करते हैं कि ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, इनको हम लोग अपनी इंस्पिरेशन मांगते थे। तो भाई ये तुम्हारी गलती है, तुम इन लोगों को अपनी इंस्पिरेशन मांगते क्यों थे? जो इंसान वहाँ पे बैठे हुए हैं, मेहनत करते हैं, अगर तुम इंडियन आर्मी का एग्जांपल लो, वहाँ से अपनी इंस्पिरेशन क्यों नहीं निकाल के आते? जो चाइना बॉर्डर में जो इतनी प्रॉब्लम चल रही है उसकी हेडलाइंस तो आती नहीं, और हेडलाइंस आती है कि रिया इसमें पकड़ी गई, इसमें वो हो गया, लोगों को कुछ मतलब ही नहीं है, सोशल मीडिया पे लेकर के कुछ भी बके जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। मतलब आप दिक्कत को समझने की कोशिश कीजिए कि हमें क्यों इसके ऊपर एक पॉडकास्ट बनाना पड़ रहा है और क्यों इस तरीके से बनाना पड़ रहा है। तो आई थिंक एक बहुत बड़ी बात जो इसमें आती है कि हमें इसको एक्नॉलेज, हमें इसको देखने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि एक सीधा सीधा हमें इफेक्ट हो रहा है ना, डायरेक्ट रिलेशन है। हम जो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो अपनी, जो तुम पढ़ रहे हो, वो तुम्हारे दिमाग सबकॉन्शियसली हमेशा रहता है तुम्हारे ख्यालों में, वो तुम्हें अगर फील नहीं हो रहा हो बट वो तुम्हारे डिसीजन, तुम्हारी डे टू डे एक्टिविटीज़ इन्फ्लुएंस करता ही करता है। तो अगर तुम पढ़ रहे हो कि रोज़ ऐसा हो रहा है, लोग पकड़े जा रहे हैं, दुनिया में बुरा चल रहा है, कोरोना वायरस है, सब घर पे बैठे, तो एक ना एक तुम्हारे दिमाग में होता है कि यार पूरा वही ऐसे चल रहा है, तो मैं भी थोड़ा लेट बैक, काम में कमी आ जाती है, जैसे तुमने बोला प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हसलिंग धीरे धीरे कम होने लगती है, और लोगों का माइंड डाइवर्ट होने लगता है, इन सब चीज़ों में मज़ा आने लगता है, क्योंकि अब इस टाइम पर ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है हमें। बिल्कुल सही बात है। तो आई थिंक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो इससे मिल सकती है, जो हमें करनी चाहिए, कि हम इसमें एकदम इतने खो ना जाएं कि हमारी जो मेन चीज़ें हैं, हम लाइक मेन जो हमारी वैल्यूज़ हैं, वर्चूज़ हैं, उनसे दूर हट जाएं। बिल्कुल सही बात है। और आई थिंक उसी से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि लोग इतना ज़्यादा इसको पैशनेटली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, लोग लड़ने को तैयार है, बहस करने को तैयार है कि ये सच है, कि ये सच है, मर्डर हुआ था, सुसाइड हुआ था, क्योंकि ये प्रॉब्लम है ना कि यहाँ पर मेंटल हेल्थ को तो सीरियसली लिया ही नहीं जाता। लोगों को ये लगता है कि यार वो एक एक्टर था, इतना पैसा था, इतना नाम था, तो वो उसको कैसे डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन दैट इज़ नॉट द केस। हम लोग वही तो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होता, कोई मजाक नहीं है, तभी तो इतने बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, उनका उनको इतनी बड़ी डिग्री क्यों करनी पड़ रही है, उनको कुछ ना कुछ कारण होगा ना, कोई बीमारी है ये। इंडिया के अंदर इतना बड़ा सोशल स्टिग्मा है, लोग साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट का नाम लेने से डरते हैं, जाना तो दूर की बात है, ठीक है, लोगों को स्पेलिंग तक तो आती नहीं है, तो जाना तो दूर की बात है। तो अब बात ये आती है, जब तुम बात कर रहे थे हसल की, मैं एक बात कहना चाहूँगा, कान खोल के सुनना, वो ये है यार, रिया इन्वॉल्व है, किसी का कुछ हुआ, कोई दूसरी नेगेटिव न्यूज़ है, कुछ भी बात चल रही है, किसी को जेल हो गई, तुझे क्या मतलब? जो इंसान, मैं उस इंसान से बात कर रहा हूँ जो इतना ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व है, तू क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, मुझे ये बात बताओ, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें उससे क्या फायदा हो रहा है,
आर यू अ न्यूज रिपोर्टर, क्या तुम एक न्यूज रिपोर्टर हो, क्या तुम्हें उससे कुछ मिल रहा है, क्या तुम उस पर कुछ पॉजिटिव वो कर रहे हो, या फिर सिर्फ बहस करने बैठे हो, ना किसी का सुनना है, बस जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है, मैं उसके बारे में अपना डिफेंड करूंगा, उसके बारे में बात करूंगा, क्या बस यही करने बैठे हैं। यहाँ पर लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि किस तरीके से जो न्यूज़ बड़ी नहीं होनी चाहिए उसको बड़ा करके दिखाया जाता है, बड़ी न्यूज़ को छुपाया जाता है, और आपको उसमें इस तरीके से इन्वॉल्व कर लिया जाता है कि आप उसका उसको इतना बड़ा न्यूज़ समझ करके उसके अंदर घुस पड़ते हैं और यही भूल जाते हैं कि आपको क्या करना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं ये बता रहा हूँ कि ये इतनी सारी नेगेटिविटी चल रही है इंस्टाग्राम पर और इन सब चीज़ों से, इससे कहीं ना कहीं हम सब इफेक्ट हुए। और जब हम ये छोटी मोटी चीज़ें देखते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन आप अंदर से इफेक्ट हो रहे होते हो और आपकी प्रोडक्टिविटी पे प्रॉब्लम पड़ती है। इसी से हम लोगों को आना चाहिए डिजिटल डिटॉक्स पे। डिजिटल डिटॉक्स के बारे में बात करते हैं कि क्यों उसके बारे में आजकल इतनी बातें चल रही हैं और क्यों वो इतना ज़रूरी है। तो डिजिटल डिटॉक्स स्टार्ट करने से पहले मैंने एक बात बोली थी कि या ये क्या ये प्लेटफॉर्म की गलती है, क्या ये लोगों की गलती है जो ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं। आई थिंक एक जो पार्ट जो जिसके बारे में कोई नहीं सोचता कि एक गलती ऑडियंस की भी है जो ये कंज्यूम कर रही है जो ये न्यूज़, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, तुम बड़ा बना रहे हो उसको। तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी, अगर कोई न्यूज़ नेगेटिव फैल रही है उसको लोग फैला रहे हैं, उसको लोग कर रहे हैं, और कुछ लोग ऑब्वियसली इसलिए करते हैं बिकॉज दे थिंक पीपल शुड बी अवेयर कि ऐसा हो रहा है और इनसे दूर रहो, बट तुम उसको इतनी हाइप और इतना वो दे रहे हो सपोर्ट कि वो नेगेटिव न्यूज़ एट द एंड ऑफ द डे उसको एक इतनी बड़ी ऑडियंस मिल जाती है अपने फैलाने, और फिर तुम बोलते हो कि ऐसी न्यूज़ हर जगह है और ये तो मेरी गलती नहीं है या किसी और की या उनकी गलती है जिसकी जो प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम है फेसबुक है कुछ भी है या फिर लोग ये जो बना रहे हैं। देखो तो एक बात है, जो तुम कंज्यूम करना चाहोगे तुम्हें वही दिखाया जाएगा, अगर तुम नेगेटिविटी कंज्यूम करना चाहते हो तुम्हें नेगेटिविटी दिखाई जाएगी। बिल्कुल सही। और एक सिंपल बात, अगर तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कोई एक चीज़ अभी फैशन में है कुछ है, तुम अगर उसको इग्नोर करना स्टार्ट करो एज एन इंडिविजुअल तुम स्टार्ट करो, पर धीरे धीरे अगर वो सब करने लगे तो वो अपने आप डाइट उसका उसकी पॉपुलैरिटी अपने आप कम होगी ही होगी। बिल्कुल बेसिक सेंस है, बट वो ये ना लोगों को मजा आता है ये सब देखने में। लेकिन इसके अंदर आप अभी देखेंगे, अगर मैं इस स्पेसिफिक न्यूज की अभी बात करूँ तो उसमें प्रॉब्लम ये चल रही है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको दबा दिया गया है। प्रॉब्लम ये है कि आप बात करें, मीडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी बात बनती है कि वो बात करें डिप्रेशन के बारे में, एंग्जाइटी के बारे में, किसी एक्सपर्ट को ला करके उसके बारे में बात करें, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो इनको कंट्रोवर्सी चाहिए, कॉन्स्पेरेसी बना देनी है, हर चीज़ की कॉन्स्पेरेसी बना देनी है इन लोगों को। तो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है। तो अभी लेकिन थोड़ा सा मैं डाइवर्ट हो गया एकदम से, हम लोग बात कर रहे थे डिजिटल डिटॉक्स के बारे में। तो आई थिंक दिव्य जो बात करी है तुमने वो बिल्कुल सही की है, अगर तुम्हें लिटरली डिजिटल दुनिया से ब्रेक लेना पड़ रहा है या फिर अपने गैजेट्स को छोड़ना पड़ रहा है तो उसका मतलब ये है कि यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर सेल्फ कहीं ना कहीं। आई एम नॉट सेइंग कि डिजिटल डिटॉक्स मत करो, लेकिन डिजिटल डिटॉक्स इज समथिंग जो कि हम आई थिंक हम सब लोगों को करने की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जो तुम कंज्यूम कर रहे हो वो तुम खुद कर रहे हो, तो कोई तुम्हें करा नहीं रहा है। बिल्कुल। और आई थिंक कहीं ना कहीं ये एक वीडियो छोटा सा हमारा एक कह सकते हैं कि एक ट्राई है हमारा कि हम लोगों को अभी थोड़ा बता सके कि हम लोग क्या मैसेज फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं और क्यों जो है इन सब चीज़ों से हटने की ज़रूरत है, और अल्टीमेटली ज़रूरत है कि आप अच्छे क्रिएटर्स को फॉलो कीजिए। आई थिंक हम लोग अगर बात करते हैं, आई थिंक नेपोटिज्म वाली वीडियो के अंदर भी हमने बात करी थी कि हमारे आई थिंक बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर ही बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और बहुत अच्छी स्किल्स है उनके अंदर। अगर आप किसी एक्टर को देखते हैं तो ये याद रखिए कि वो एक आर्टिस्ट है, वो आपका रोल मॉडल नहीं होना चाहिए ना। अभी आप देखते हैं तो आई थिंक मैं नाम किसी का नहीं ले रहा इसके अंदर, आई थिंक दो तीन नाम है जो सब लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे नाम और भी इसके साथ में आ रहे हैं जो कि अभी पक्के नहीं है, इसलिए उनका नाम ना लेना ही सही रहेगा। तो लोग कहते हैं यार इसका भी नाम आ रहा है, इस एक्टर का नाम भी हो रहा है, ये एक्टर तो ये तो उसकी बेटी है, ठीक है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये आप हैं जिन्होंने उनको अपना रोल मॉडल बना रखा है, दे आर जस्ट एक्टर्स, दे हैव अ स्किल, उनके पास एक स्किल है जो कि वो आपको दिखा रहे हैं और आप ही उनको इतना चढ़ा रहे हैं, तो आपने ही उनको अपना रोल मॉडल बनाया है। वो रोल मॉडल किसी का बनना नहीं चाहते हैं, है ना, और आपने बनाया है। हाँ, और आई थिंक एक प्रॉब्लम जो मेनली मैं देखता हूँ बॉलीवुड एक्टर्स या एक्ट्रेसेस या कोई भी एक्टर एक्ट्रेसेस क्या होती है, बहुत लोग दे फॉल इन लव विद द कैरेक्टर्स दैट दे प्ले,
कि इसने ये कैरेक्टर प्ले करा था कितना अच्छा था, बट तुम्हें एक रियलाइज करना बिल्कुल सही पड़ेगा, बात एक है, आर्टिस्ट बहुत डिफरेंट है जो एक मूवी में दिखता है, वो दैट इज एक पार्ट सो प्ले कर रहे हैं। रिलेटेबल। अगर आप हाँ सुशांत सिंह राजपूत की छिछोरे फिल्म देखें तो उसके अंदर एग्जैक्टली यही चीज़ बताई गई थी, एंड दैट वो सबसे बड़ा शौक ही लोगों को ये लगा था कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन वही है कि आप दिक्कत यही आती है कि लोग ये नहीं समझ पाते कि जो वो है वो एक स्क्रीन प्ले है और वो एक्टिंग है और वो एक आर्ट है, वो दैट इज़ नॉट द रियल पर्सन, वो असली आदमी नहीं है जिसको आप समझते हैं। तो ये आई थिंक समझने की बहुत ज़रूरत है। और जहाँ तक डिजिटल डिटॉक्स की बात आती है, हम फिर से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए थे, तो जहाँ तक डिजिटल डिटॉक्स की आती है, आई थिंक डिजिटल डिटॉक्स एक तरीका है जिसके थ्रू आप एक शॉर्ट टर्म के लिए आप इस न्यूज़ से बच सकते हैं और आप एक शॉर्ट टर्म के लिए अपने आप को मतलब रोक सकते हैं दूर कि कर ये सकते हैं इस नेगेटिविटी। चीजों से। हाँ बिल्कुल, लेकिन अल्टीमेटली बात वही आती है कि आपको समझने की ज़रूरत है कि ये अब एक बहुत बड़ा पैंडेमिक के जैसे बढ़ रहा है, जैसे कोरोना बढ़ रहा है ऐसे ये भी बढ़ रहा है। लोगों को बस चाहिए कि कहीं ना कहीं से कुछ मसाला मिल जाए, कुछ बात करने को मिल जाए, कुछ हो जाए, तो उस वजह से ऐसी न्यूज़ को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अल्टीमेटली आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आई थिंक ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक तरीके से साधन है, एक तरीके से आपका टूल है कि आप कैसे इसको यूज़ करें, किस चीज़ के लिए यूज़ करें। जब भी कोई टूल आता है उसका यूज़ और मिसयूज़ दोनों होता है। अब ये आपके ऊपर आता है कि आप उसका यूज़ कर रहे हैं कि मिसयूज़ कर रहे हैं। और इसके अंदर मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह रहा कि हम लोग इसका मिसयूज़ नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं हम सारे के सारे इस चीज़ से मतलब अफेक्टेड हैं और हम लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन वही है कि आपको समझने की ज़रूरत है, जब आप ये सारी चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और आपको समझ में आता है, तो अल्टीमेटली आपको समझने की ज़रूरत है कि मेरा जो यूज़ है इस टूल के लिए वो मैं एक पॉजिटिव मैनर में कर रहा हूँ कि एक नेगेटिव मैनर में कर रहा हूँ। आप अभी लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, आप इसको एक 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 अच्छे क्रिएटर को भी फॉलो कर सकते हैं, अच्छे क्रिएटर्स का नाम भी ले लेते हैं कुछ। व्हाट आर द लाइक हु आर द लाइक बेस्ट क्रिएटर्स जिनको तुम्हें लगता है कि तुम्हें फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे अच्छा इस टाइम पे कुछ? आई हाँ थिंक क्यों ना एज इसके अ बारे में बात पॉडकास्ट करी जाए। चैनल हम दोनों बियर बाइसेप्स को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, द हम रणवीर लोग शो। बियर बाइसेप्स को काफी फॉलो करते हैं, द रणवीर शो, इनका हम आई थिंक लिंक डाल देंगे। यू कैन चेक आउट फरीन डॉट ओके ऑन इंस्टाग्राम, पहले भी हमने आई थिंक उनका नाम लिया है, बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात होता है। यू कैन चेक आउट मेन सूत्रा, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, थोड़ा वो पॉडकास्ट टाइप का ही है, वो भी कभी जरूर चेक करना। चेक आउट अमन धतरवाल का भी, अमन इफ यू आर धतरवाल लाइक हाँ बहुत अमन है। धतरवाल, और आई वुड से मेन सूत्रा से भी मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। मेन सूत्रा काफ़ी बातें करता है सोशल इश्यूज के बारे में और वहाँ से काफ़ी इंस्पिरेशन हमें मिलती है। तो ऐसे अच्छे क्रिएटर्स को फॉलो करो, और जब मूवीज़ देख रहे हो तो अच्छे अच्छी मूवीज़ देखो, अच्छे क्रिएटर अच्छे एक्टर्स की मूवी देखो, जिसके अंदर आपको उनके उनके जो एक्टिंग है उनका जो आर्ट है उसको अप्रिशिएट करो, ना कि उस बंदे को। मतलब बंदे को भी सीधी सी बात है, आप जब उसकी वो हाँ करेंगे तो उसको भी करेंगे, लेकिन याद रखिए कि हम सारे के सारे जो है हम लोग इंसान हैं, और अगर कोई गलती करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप सोच के बैठ जाएंगे ये तो पूरी दुनिया ही ऐसी है, हाँ क्योंकि ऐसे ही पोर्ट्रे किया रहता है। और इसीलिए लोगों के मेंटल बीइंग को इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि वैसी बातें होती हैं। और जहाँ तक डिजिटल अब डिजिटल डिटॉक्स की बात हो रही है, आई थिंक तुम अगर एक हफ्ते ब्रेक भी ले रहे हो, तुमने एक हफ्ते कुछ नहीं छुआ, बट तुम एक चीज़ रियलाइज करो, एक हफ्ते बाद जब तुम वापस आओगे वही न्यूज़ तुम्हें मिलेगी, चाहे वो अलग हो, थोड़ी तुम्हें नई वही न्यूज़ हो, न्यूज बट वो मिलेगी वही सेंस, वही सेम अल्टीमेटली। चीज़ मिलेगी। अल्टीमेटली तुम्हें हाँ समझना है कि तुम इस टूल का इस्तेमाल कैसे कर एग्जैक्टली रहे हो और तुम करना क्या चाहते हो। देखो वही बात आ जाती है, सब कुछ तुम लगे हुए हो, टपाटप स्टोरीज बनाए जा रहे हो, अपनी पोस्ट लिखे जा रहे हो, ये शेयर कर रहे हो, लोगों से बहस कर रहे हो, ये हुआ वो हुआ, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। वो तो एक्टर बन गया, हाँ वो तो एक्टर बन गया, उसने पैसा कमा लिया, तू क्या कर रहा है भाई, तू क्या कर रहा है। अल्टीमेटली वही आता है कि वॉट आर यू डूइंग, तुम उस टूल का क्या इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हें फायदा क्या हो रहा है हर चीज से। अगर तुम्हें किसी चीज से फायदा नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो। करंट अफेयर्स के लिए जानना भी जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूज़ देखना ही बंद हो जाओ या फिर देखो ही मत कि भाई क्या हो रहा है, सब कुछ वो भी जरूरी है, लेकिन तुम्हें न्यूज़ को कंज्यूम करना है, न्यूज़ को तुम्हें कंज्यूम नहीं करना अल्टीमेटली, ठीक है। और अब जब कंज्यूम, बात आती है, और मैं बोलना चाह रहा था लाइक कंज्यूम के बाद तुम्हें यूटिलाइज भी करना है। तुम जैसे करंट अफेयर्स से तुम दूर नहीं रह सकते, और नेगेटिव न्यूज़ भी करंट अफेयर्स होती है, पर तुम्हें इसका ये हाँ मतलब नहीं कि तुम उसको एक नेगेटिव वे में अपने अंदर रखो, एक एंगजाइटी या कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स के फॉर्म में अपने अंदर रखो। तुम्हें या तो हैंडल करना आना चाहिए, या अभी तक हैंडल करना नहीं आया तो सीखो हाउ टू हैंडल नेगेटिव न्यूज़ विदाउट यू नो अपने अंदर वो टॉक्सिसिटी बना लाए। बिल्कुल सही बात है।
और जब हम लोग नेगेटिविटी की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब आता है मीडिया के बारे में बात करना, ठीक है। तो अब आई थिंक मीडिया ने इस स्पेसिफिक न्यूज़ का एक मजाक बना दिया। मैं अब थोड़ी सी इसके अंदर ये बात करूंगा कि थोड़ा सा लोगों को कॉन्ट्रोवर्शियल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों के अपने ओपिनियंस होते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा ओपिनियन है तो फिर मेरा ओपिनियन नहीं है क्या? मेरा भी ओपिनियन है, ठीक है। तो मेरा यार इसके अंदर देखो ऑनेस्टली ये ओपिनियन है कि क्या तुम नहीं जानते किसी को जो ये सब करता है? ऑनेस्टली बताओ, ठीक है। हम भी जानते हैं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एम आई प्रमोटिंग इट? नॉट एट ऑल। गलत है? बिल्कुल गलत है, ठीक है। लेकिन क्या तुम नहीं जानते, क्या ये कॉमन नहीं है? तो फिर क्यों इस चीज़ की इतनी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ बनाई जा रही है? इस बात की इतनी बड़ी न्यूज़ इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि वो बड़े एक्टर्स हैं, दैट इज़ इट ना, कि वो बड़े एक्टर्स हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है? तुमने उनको अपना इंस्पिरेशन बना रखा है। पहले भी बात बोली थी, फिर से बोलूँगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तुमने उसको अपना इंस्पिरेशन बना रखा है, एंड दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम लाइज, ठीक है। और मीडिया को पता है कि यार ये मैं लोगों को दिखाऊंगा तो वो देखेगा, ठीक है। आई थिंक हम लोग थोड़ी क्लिप्स डाल देंगे यहाँ पे मीडिया की, जिन अगर लोगों को नहीं पता है तो कुछ ऐसी क्लिप्स डालेंगे यहाँ पर छोटी छोटी, जो कि लोगों को पता होनी चाहिए कि मीडिया किस लेवल पे गिर गया था, जस्ट बिकॉज पीपल वॉन्ट टू कंज्यूम दिस न्यूज, एंड पीपल आर, क्योंकि उसका इतना बड़ा हाइप बन रखा है तो लोग लगे हुए हैं और वो बनाए जा रहे हैं। हाइप भी क्यों बन रखा है? क्योंकि किसी को नीचे खींचना बहुत आसान है, बट खुद कुछ बिल्ड करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। मुझे तुम्हें एक बात बताओ, मुझे पता भी नहीं है कि ये मैं पॉडकास्ट में डालूंगा कि नहीं डालूंगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है। मैं ये बात कहूंगा कि रिया ने गलत किया, हाँ किया, लेकिन जिस तरीके से तुमने कुछ वीडियोस देखी होगी उसके पीछे मीडिया वाले जिस तरीके से भागे हैं, जिस तरीके से एक तरीके से हरास किया गया है उसे, क्या अगर ये चीज़ किसी दूसरी लड़की के साथ में हो रही होती, मान लो एक लड़की है जो जा रही है, इसको घेर रखा है ऐसे लोगों ने और उसमें अपना माइक डाले जा रहे हैं ऐसे करके, तो इज दैट नॉट हरासमेंट? अब लोग ये बोलते हैं मीडिया तो हमेशा से ऐसी थी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यू आर मेकिंग इट अ पेट्रियार्कल थिंग, इट इज नॉट, मीडिया हमेशा से ऐसी थी। लड़का हो चाहे लड़की, क्यों वो मीडिया ऐसा क्यों करता है? मीडिया ऐसा इसलिए करता है क्योंकि तुम उसको ऐसा बढ़ावा देते हो, उसको पता है कि लोगों की मेंटालिटी ऐसी है तो हम लोगों को दिखाना भी ऐसा ही कंटेंट। ऑडियंस तो इन द एंड तुम ही हो ना, जो तुम देख रहे हो, तुम सुन रहे हो ये सब। बिल्कुल। अल्टीमेटली जो अवेयरनेस फैलानी है इस वीडियो के थ्रू भी, जो अवेयरनेस फैलानी है वो ये फैलानी है कि कंज्यूम गुड कंटेंट, नंबर वन। न्यूज जो देख रहे हो, न्यूज पता होनी जरूरी, लेकिन न्यूज तुम्हें कंज्यूम करनी है, न्यूज को खुद को कंज्यूम नहीं करने देना। तो दूसरी बात आती है, अब हम नेगेटिव कंटेंट एग्जिस्ट करता है उसको हटा तो नहीं सकते, बट हम थोड़े थोड़े चेंजेस ला सकते हैं, चाहे वो खुद के अंदर हो, अगर हम पूरे एक बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं ला सकते। तो आई थिंक हमारा पॉडकास्ट का भी अभी यही एक मोटिव है या फिर एक गोल है कि हम थोड़ा सा एक चेंज ला सके इस चीज़ में। तो आई थिंक जो बेसिकली एक होगा सेल्फ केयर, अगर तुम ऐसी नेगेटिव न्यूज़ खोल के, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे शुभम ने बात करी थी एंग्जाइटी एंड ऑल, तो हाउ टू डील विद इट। और दूसरी बात, चेंज योर थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है। तुम जिस तरह से सोचते हो, बिकॉज तुम्हें, जैसे मैं बार बार इसमें बोल रहा हूँ कि ऑडियंस इन दी एंड की तुम लोग हो, तुम्हें न्यूज़ कंज्यूम करनी है। और अगर तुम्हें अभी भी नेगेटिव न्यूज़ देख के वो एक मज़ा आ रहा है, जो तुम्हें एक अच्छी न्यूज़ सुन के नहीं आ रहा है, तो तुम यू आर अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये सब नेगेटिव न्यूज़ जो दिखाई जा रही है इन दी एंड तुम्हारे लिए दिखाई जा रही है। बिल्कुल सही बात है। इसके तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, इफ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड, पहले तुम्हें खुद को चेंज करना पड़ेगा। आई थिंक बात वही आती है, दूसरों को चेंज करने से पहले तुम्हें खुद अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वही सबसे बिगिनिंग है एक चेंज लाने के लिए। हाँ, और अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि ये बहुत हवा में बातें हैं, तो अगर मैं एक बहुत लॉजिकल एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे SEO या फिर टेक्निकल टर्म्स जो कीवर्ड्स की हम बातें करते हैं, आई थिंक शुभम तू इसके बारे में काफी पढ़ता है, तो तूने देखा होगा कीवर्ड्स हम ऑडियंस की बेसिस पे डालते हैं। अगर ऑडियंस को एक बात बताना चाहूंगा कि जितने भी आपके बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, इंक्लूडिंग अस, ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने ये बनाया है क्योंकि ये ट्रेंडिंग चल रहा है, नहीं तो हम इसके बारे में बहुत पहले ही बात करते थे ना। हमने देखा कि कहीं ना कहीं अब ये, क्योंकि अगर आपको पता हो, हमें पहले से फॉलो कर रहे हो, तो हमारे पॉडकास्ट का नाम पहले हुआ करता था 15 मिनट थिंग, जिसके अंदर हम लोग कुछ भी बातें किया करते थे, और उसके बाद में हमने इसको एक तरीके से एक पार्ट टाइम हसलस बना दिया, जिसके अंदर हम लोग स्पेसिफिकली बिजनेस के बारे में बात करते हैं। बट देन वी रियलाइज्ड कि हम लोग जो बात करते हैं, हम लोग हसल की बात करते हैं और एक पॉजिटिव माइंडसेट की बात करते हैं, और अब जो है ये चीज़ इसके अंदर आ रही है, तो अब हम लोगों को इस चीज़ के बारे में भी बात करने की ज़रूरत है।
तो हाँ मैं ये तो बताना मैं चाहूंगा कि जितने भी आपके क्रिएटर्स होते हैं वो देख रहे होते हैं कि क्या ट्रेंडिंग है, ट्विटर ट्रेंड्स देखे जाते हैं, हाँ गूगल ट्रेंड्स देख गूगल वो देखे जाते हैं कि कौन सी चीज़ें ट्रेंडिंग चल रही है, और वो कीवर्ड्स बिल्कुल इस्तेमाल करके कंटेंट बनाया जाता है जिससे आपको कंज्यूम कराया जाए। हाँ एग्जैक्टली तो मेरा पॉइंट ये लाइक मैंने टॉपिक इसलिए छेड़ा क्योंकि इन द एंड तुम देख रहे हो कि तुम्हारा इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें पसंद आ रहा है या जो तुम्हें मजा लग रहा है जो लोगों को पता है कि ये लोग देखना चाहेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखना चाहेंगे वो इस्तेमाल करके वैसे न्यूज़ शेप करी जा रही है ताकि एक शेप करके तुम्हें सर्व करा जा रहा है कि लो खाओ। बिल्कुल तो ये तुम ही चेंज कर सकते हो अगर तुम्हारे अंदर वो एक हो गया कि नहीं मेरे को ये सब नहीं देखना है मुझे देखना भी है तो एक ऐसे फॉर्म में जहाँ पे वो किसी को हर्ट ना कर रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना हो तो क्यों नहीं यार सब चेंज करेंगे कीवर्ड्स चेंज होंगे इस रिसर्च में लोग प्रेजेंट करना चेंज करेंगे अपना बिल्कुल सही बात है, कंटेंट बिल्कुल को। सही बात है। अगर आप देखेंगे तो हमारा भी जो पॉडकास्ट है बहुत छोटा सा पॉडकास्ट है, वी हैव लाइक 200 समथिंग फॉलोअर्स, और बहुत चांसेस है कि हम लोग ये वीडियो देखें तो शायद इसको 100 लोग देखें, सिर्फ 200 लोग देखें, ज़्यादातर लोगों के पास शायद ये बात भी ना जा पाए। लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा हमारा एक वो है कि मे बी अगर ये कहीं चला गया, लोग इसको देख पाए, तो शायद हमारे जो हम लोग जो छोटी सी पॉजिटिव बात जो आगे शेयर करना चाह रहे हैं, और हमारे ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, छोटे क्रिएटर्स भी हैं बड़े क्रिएटर्स भी हैं जो कि पॉजिटिविटी फैलाते हैं, उनका जो मैसेज है वो आप लोगों तक पहुंच सके। और हम लोग यही चाहते हैं कि जो मैक्सिमम पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको आप कंज्यूम करें, ना कि नेगेटिव चीज़ों को। मेरे हिसाब से दिस सम्स इट ऑल, हम लोग इसी के बारे में बेसिकली बात करना चाह रहे थे, एक अपने पर्सपेक्टिव बताना चाह रहे थे, हो सके तो थोड़े से लोगों को पर्सपेक्टिव चेंज करना चाह रहे थे, और इसी को एक पॉजिटिव नोट पे एंड करते हैं। हम लोग इसके थ्रू किसी भी न्यूज़ को ये नहीं कह रहे कि ये छोटी न्यूज़ है बड़ी न्यूज़ है, ये आई थिंक आप खुद इंटेलिजेंट है समझने के लिए कि जो बाढ़ आ रखी है जिसमें इतने सारे लोग मर रहे हैं, या फिर जो इंडियो चाइना वॉर की जो एक सिचुएशन आ ही गई थी ऑलमोस्ट, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कुछ जो सेलिब्रिटीज हैं वो इन सब सेलिब्रिटीज़ हैं वो चीज़ों कुछ सब्सटेंस का यूज़ कर रहे थे। आई थिंक ये मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इंटेलिजेंट है समझने के लिए कि हम लोग किस चीज़ के यहाँ पे बात करना चाह रहे थे। और अगर ये हिंदी पॉडकास्ट आपको पसंद आए तो आप मुझे बताना, हम लोग आगे और भी ऐसे कुछ इश्यूज़ के बारे में हिंदी में बात करना ज़रूर पसंद करेंगे, जिसके थ्रू जो जो सारे लोगों को हमारी बात जो है अच्छे से समझ में आ सके। दैट इज़ इट। इन द एंड कीप सपोर्टिंग कीप हसलिंग थैंक यू या थैंक यू।